नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आजकल के लोग ज़िंदगी के जद्दोजहद में इतने व्यस्त हैं कि प्रकृति के खूबसूरत चीज़ों से भी अनभिज्ञ हैं। विश्व में कई ऐसे जगहें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं और वहाँ पर अभी तक लोगों के पैर भी नहीं पड़े हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं देश दुनिया में, विश्व में वो अनोखी जगहें जिन्हें देखने के बाद लोग उन्हें स्वर्ग कहते हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आजकल लोग अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में इतना व्यस्त हैं कि उन्होंने दुनिया की प्राकृतिक चीजों को एकदम त्याग दिया है। लोग ही नहीं बल्कि कई देशों के प्रकृति प्रेमी भी रिसर्च में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने ऐसी प्रकृति से जुड़ी जगहों को किनारे कर दिया है। आपको बता दें, दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ऐसी खूबसूरत जगह पर व्यक्ति के पैर भी नहीं पड़े हैं। आप भी उन अनोखी जगहों के बारे में जानिए जिन्हें देखने के बाद लोग उन्हें स्वर्ग कहते हैं। शेटलैंड द्वीप समूह, स्कॉटलैंड। इस आइलैंड के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि इस द्वीप पर 40 लोगों से भी कम लोग रहते हैं, जहां केवल एक ही दुकान है। द्वीपों की प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता को स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित किया जाता है। जरा सोचिए, यहाँ आप हरी भरी हरियाली और पक्षियों के बीच रह पाएंगे। यदि आप प्रकृति और बाहरी रोमांच के प्रेमी हैं तो इनमें से एक या एक से अधिक द्वीपों पर जाएं, जहां आप गोल्फ और बर्ड देखने से लेकर लंबी पैदल यात्रा और नौकायन तक सभी चीजों में भाग लेते हैं। ये है स्कॉटलैंड का आइल ऑफ स्काई द्वीप, जो मुख्य सड़क स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट के लिए एक सड़क पुल से जुड़ा है। ब्रिटिश आइल्स में सबसे नाटकीय पहाड़ और तटीय दृश्यों में से कुछ प्रदान करता है। फंतासी जैसा परिदृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसे आकाश में चित्रित किया गया है, इसलिए जबड़े को गिराना यह मानना मुश्किल है कि यह वास्तविक है। परिताल के किनारे पिकनिक का आनंद लें, और अगर आप शांत खड़े हो सकते हैं तो आप राजसी क्वेरिंग की लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं। ये है स्कॉटलैंड का आइल ऑफ आइल द्वीप। हेब्राइड्स की रानी, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, यह ठीक विस्की और लुभावनी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। आइल ऑफ इसले 8 एकल माल्ट भट्टियों की मेजबानी करता है और पेय का आनंद लेने के लिए एक शांत लगभग जादुई सेटिंग प्रदान करता है, और वन्य जीवों के सभी प्रकार जिसमें 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि पफिन और गोल्डन ईगल्स, साथ ही ग्रे सील, ओटर और रेड जैसे जानवर। हिरन, राहेल मैकनील की व्हिस्की फॉर गर्ल्स, यात्रा में शामिल होने के लिए यात्रा करने वाली महिलाएं शामिल हो सकती हैं, जिसमें क्षेत्र भट्टियों के साथ साथ प्राचीन अवशेष और सबसे आइल की सबसे सुंदर जगहें शामिल हैं। ये है स्कॉटलैंड का आइल ऑफ इओना द्वीप। मूल के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित आइल ऑफ इओना का एक विशेष रूप से दिलचस्प इतिहास है, जो आध्यात्मिकता के साथ भी सबसे निंदनीय है। स्कॉटलैंड का ईसाई धर्म का पालना तीर्थयात्रा के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जिसमें हर साल हजारों लोग आते हैं जो बहाली और शांति की भावना का आनंद लेते हैं, क्योंकि मध्य द्वीप के दौरान एक छोटा द्वीप एक प्रतिष्ठित मठ का घर था। ये है स्कॉटलैंड का आइल ऑफ टायरी द्वीप। इनर हेब्रिड्स का सबसे शानदार द्वीप टायरी को कभी कभी उत्तर की हवाई के रूप में जाना जाता है। इसके हल्के जलवायु, जिसमें ब्रिटिश द्वीपों में कहीं भी दर्ज की गई सबसे अधिक धूप शामिल है, यह मछली पकड़ने और क्रॉफ्टिंग के लिए एक हेवन के रूप में कार्य करता है, जिसमें समुद्र तटों और उपजाऊ भूमि का सौंदर्यीकरण होता है। लगातार चलने वाली हवाएं और समुद्र की लहरें कई हवा सर्फिंग के शौकीनों को आकर्षित करती हैं। ये है स्कॉटलैंड का सेंट निनियन आइल द्वीप। स्कॉटलैंड के सबसे पवित्र स्थानों में से एक सेंट निनियन का आइल 1640 फुट लंबी रेत से शेटलैंड द्वीप से जुड़ा है, या अयर जैसा कि स्कॉट्स इसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में अपनी तरह का सबसे बड़ा। यह लोगों को केवल तब पार करने की अनुमति देता है जब समुद्र गर्मियों के दौरान अनुमति देते हैं, जब आगंतुक प्राचीन समुद्र तटों का आनंद ले सकते हैं और एक जगह का पता लगा सकते हैं जो वास्तविक जीवन के दफन खजाने की साइट थी। सेंट निनियन के आइल ट्रेजर को पिक्चर्स, ज्वेलरी और अन्य वस्तुओं के सर्वश्रेष्ठ खोज में से एक माना जाता था। ये है स्कॉटलैंड का स्टाफ आइल द्वीप। स्टाफ का नाम ओल्ड नॉर्स अर्थ स्टवे या पिलर आइलैंड से लिया गया है। इसके राजसी बेसाल्ट कॉलम और उल्लेखनीय समुद्री गुफाओं जैसे कि फिंगल की गुफा ने अनगिनत आगंतुकों को आकर्षित किया है, जिसमें लॉर्ड टेनिसन, जॉन केट्स, क्वीन विक्टोरिया और जूस वर्ने शामिल हैं, हालांकि यह निर्जन रहा है 1800 के बाद से। आने का मुख्य कारण 72 फुट ऊंचा
270 फुट गहरे फिंगल की गुफा का अपनी अनूठी गिरजाघर जैसी संरचना और बेसाल्ट के हेक्सागोनल स्तंभों के साथ साफ सुथरे छह तरफा स्तंभों को देखना है। ये है स्कॉटलैंड का आइल ऑफ हैरिस द्वीप। आइल ऑफ हैरिस को दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। यह अपनी शानदार सफेद रेत के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आश्चर्यजनक फिरोजा पानी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप कैरिबियन में पाते हैं। यह एकांत विश्राम और प्रकृति के लिए एक आदर्श द्वीप है। कभी कभी जंगली पोनियों को टिब्बों के साथ चराई करते हुए देखा जा सकता है, और एक अच्छा मौका है कि आप ऊदबिलाव, सील, डॉल्फिन, ईगल और हिरण की एक झलक पकड़ेंगे, जो सभी इस द्वीप को घर कहते हैं। ये है स्कॉटलैंड का आइल ऑफ होय द्वीप। स्कॉटलैंड के उत्तरी तट से ठीक दूर ओर्कने द्वीप मीलों और उबड़ खाबड़ जंगली तट हैं, जो सील और पफिन कॉलोनियों, डॉल्फिन और विशाल आर्कटिक समुद्र के मैदानों से युक्त हैं। लेकिन जो कुछ देखने में आता है वह है इसका प्रसिद्ध मील का पत्थर ओल्ड मैन ऑफ होय, एक समुद्री स्टैक जो समुद्र के बाहर लगभग 450 फीट ऊपर उठता है, जो आइल ऑफ होय पर ओल्ड रेड सैंडस्टोन की परत पर परत से उकेरा गया है। ये है स्कॉटलैंड का सेंट किल्डा द्वीप समूह। छोटे सेंट किल्डा द्वीप समूह बाहरी हेब्रिड्स में स्थित है। टॉवरिंग समुद्र की चट्टाने गनेट से भरे आसमान में फैलती हैं, जबकि हिरता के मुख्य द्वीप पर स्थापित एकमात्र गांव के अवशेष एक समुदाय के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं, जो एक बार जई उगाकर और फुलमारों को काटकर अपना जीवन यापन करते हैं। इन सुदूर द्वीपों में जीवन के बाद भी पिछले 36 निवासियों को 1930 में निकाला गया। इसके सरासर चट्टानों और राक्षस के दांतों जैसे समुद्र के ढेर के साथ द्वीपों के समूह को खोई हुई दुनिया के रूप में वर्णित किया गया है। ये है स्कॉटलैंड का आइल ऑफ अरन द्वीप समूह। मुख्य भूमि पर पाए जाने वाले परिदृश्य की एक दर्पण छवि है, जो रेतीले समुद्र तटों, वन्य जीवों के बहुत सारे पहाड़ों, महल, मछली पकड़ने के गांवों, उत्कृष्ट गोल्फ और अविश्वसनीय रूप से अनुकूल है। स्थानीय लोगों के आपके द्वारा देखे जाने वाले हर जगह के बारे में विस्मयकारी विचार हैं, और पक्षियों की एक विस्तृत श्रृंखला को आइल के किसी भी लंबे समुद्र तट पर देखा जा सकता है, जिसमें समुद्र के किनारे अक्सर समुद्र तट के साथ देखे जाते हैं।